आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिन की रिमांड में है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने उनको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के केस में। संजय सिंह 5 दिन बाद कोर्ट जाएंगे जब अपनी जमानत पर वो अर्जी दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले संजय के वकील कोर्ट का रुख कर चुके हैं क्योंकि उनकी शिकायत है कि संजय सिंह को ईडी की रिमांड से किसी पुलिस लॉकअप में डालने की साजिश रची जा रही है ताकि पुलिस लॉकअप में किसी लोकल पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ले जाकर उनको टॉर्चर किया जा सके और अपनी मन मुताबिक बात कहलवाई जा सके। संजय सिंह का अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट के सामने ये आरोप है कि ईडी के तमाम अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, वो उन्हें ईडी की रिमांड से हटाकर पुलिस लॉकअप में धीरे से चुपके से ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि किसी लोकल पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डालकर संजय सिंह के साथ टॉर्चर किया जा सके और उनसे अपने बात उगलवाई जा सके। संजय सिंह का यह भी आरोप है कि जब इस बारे में उन्होंने पूछा तो जवाब मिला कि ईडी के रिमांड हाउस में पेस्टिसाइड का छिड़काव होना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी ईडी का क्या जवाब है वो खुलकर नहीं आया है, क्या प्रक्रिया अंदर चल रही है वो भी अभी खुलकर बात नहीं आई है, लेकिन संजय सिंह का यह आरोप गंभीर है, खासकर तब जब ईडी को सिर्फ 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की दी गई है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम में 4 अक्टूबर की सुबह राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं संजय सिंह, उनके घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी देर शाम तक चलती रही और देर शाम को संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। 5 अक्टूबर को संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की है वहां पर पेश किया गया। ईडी का यह कहना था कि ईडी का कोर्ट के सामने कहना था कि हमें संजय सिंह की 7 दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड ईडी को दी है। 5 दिन बाद एक बार फिर सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह और उनका पक्ष उनके वकील संजय की जमानत पर याचिका दाखिल करेंगे। वहीं ईडी को अगर ऐसा लगता है कि अभी उसकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और कुछ ऐसे पॉइंट और हैं जिस पर वो संजय सिंह से पूछताछ करना चाहती है तो ईडी और आगे रिमांड भी मांग सकती है। इन सारी बातों के बीच ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा था कि कुछ ऐसे शख्स हैं जो दिल्ली की इस नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के केस में आरोपी हैं, उनका और संजय सिंह का आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है, इसलिए उन्हें संजय की 5 से ज़्यादा दिन की रिमांड चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी थी और कहा था इसी दौरान आप अपनी पूछताछ पूरी करिए। बता दें कि संजय सिंह का इस मामले में जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा के अंदर और बाहर वो लगातार आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, खासकर तब जब आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया पहले से ही इस मामले में जेल में है। कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।